ये आकाशवाणी रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य और पेश है आज के मुख्य समाचार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा स्थगित करने से किया इनकार दुर्ग बलौदाबाजार बलरामपुर और रायगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों में लॉकडाउन खत्म निर्धारित अवधि में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की मिली अनुमति मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों के स्लम इलाकों में नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में बरती जा रही उदासीनता को लेकर जताई नाराजगी और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन का आरंभ बापू की बात से कर रहे हैं महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी एक कोड़ी हम खर्च तो करते हैं लेकिन वो हिंदुस्तान की झोंपड़ियों में जाती है कि नहीं ये देखना है मेरे लिए तो वही हिसाब होता है कि हम पैसे लेते हैं करोड़ों वो हिन्दुस्तान की झोंपड़ियों में से आता है तो वहां उसमें से हम कितना भेजते हैं और कानून तो ये कहता है सच्चा कानून कि अगर पंचायत राज है लोगों के नाम से ही राज चलता है लोगों के काम से ही राज चलता है तो लोगों के पास से पैसा तो लेना पड़ेगा लेकिन वो पैसा लेते हैं उससे दस गुना उनके घर में जाना चाहिए अब समाचार विस्तार से उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना महामारी और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ को देखते हुए सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने से इंकार कर दिया है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित होनी है न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी ने केन्द्र से ऐसे उम्मीदवारों को एक और मौका देने को कहा है जो महामारी के कारण पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा परीक्षा 2020 और 2021 की परीक्षाएं एक साथ करने की याचिका भी खारिज कर दी है न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा दो से तीन महीनों के लिए स्थगित कर दी जाए ताकि तब तक लगातार वर्षा और कोरोना संक्रमण की स्थिति से राहत मिल सके आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियात और पर्याप्त प्रबंध गए हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज सभी बत्तीस आरोपियों को बरी कर दिया है सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपी खुद भीड़ को शांत करने का प्रयास कर रहे थे इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने भाजपा नेताओं को इस मामले में बरी किए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें देश की न्याय व्यवस्था और संविधान पर पूर्ण विश्वास रहा है जिसका परिणाम आज सत्य की जीत के रूप में आया है प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले सप्ताह से लागू लॉकडाउन को अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है दुर्ग जिले में बीते 11 दिनों से लागू लॉकडाउन आज रात समाप्त हो जाएगा इसके साथ ही कल से जिले में सभी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक रात्रि आठ बजे तक व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है जिले के सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे रेस्टोरेंट और होटल के संचालन तथा टेक अवे या होम डिलीवरी की अनुमति रात बजे तक होगी. वहीं बलौदाबाजार जिले में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आज से सभी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति रात आठ बजे तक होगी पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित समय पर खुलेंगी अनलॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा इधर बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र भी आज से अनलॉक हो गया है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन प्रत्येक शनिवार को यहां व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी उधर कवर्धा नगर पालिका के कुछ वार्डो को छोड़कर बाकी सभी वार्डो और ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है वहीं रायगढ़ जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी लॉकडाउन समाप्त हो गया है यहां सब्जी की दुकानें सुबह छह से ग्यारह बजे मेडिकल दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह दस से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं राजनांदगांव जिले में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पांच अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके तहत राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डो में कोरोना की जांच के लिए शिविर लगाए जाएंगे इसमें लगभग पांच लोगों के नमूने लिए जाएंगे वहीं रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के दौर में सभी को जागरूक रहना अत्यंत जरूरी है कोरोना जांच के दौरान फॉर्म भरते समय सभी व्यक्तिगत जानकारी सही दी जाए ताकि उन्हें रिपोर्ट की जानकारी समय पर मिल सके इधर दुर्ग जिले में होम आइसोलेशन सेंटर की अनुमति के बिना सीटी स्कैन कराने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी साथ ही टेस्ट करने वाले सेंटर पर भी कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति जांच क्षमता मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता समेत सभी मामलों में प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है प्रदेश में प्रतिदिन औसतन पन्द्रह हजार टेस्ट के साथ सरकार निरंतर कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है स्वास्थ्य मंत्री ने होम आइसोलेशन के संबंध में कहा कि इस दिशा में सरकार मेडिसिन किट आपूर्ति को बढ़ावा दे रही है श्री सिंहदेव ने यह भी कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम जनता के हाथ में है मास्क के उपयोग से ही कोरोना संक्रमण के मामले कम हो सकते हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिसिन किट दी जा रही है है। अब तक अड़तीस हजार से अधिक मेडिसिन किट संक्रमितों को उपलब्ध कराई जा चुकी है वर्तमान में पूरे प्रदेश में बारह हजार से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में है। प्रादेशिक समाचार आप से सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन ए आ आ ट्विटर हैंडल सी जी ए आई आर न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ ए आई आर न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने आज रायपुर में वर्चुअल बैठक के जरिए राज्य के शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्रों के स्लम इलाकों में नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में बरती जा रही उदासीनता को लेकर नाराजगी भी जताई मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ जल्द से जल्द दिलाने को कहा उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत राज्य के चौदह नगर निगम क्षेत्रों के स्लम इलाकों में साठ मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए पचपन लाख रुपए का प्रावधान किया गया है मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए स्लम इलाकों में चिकित्सीय परामर्श जांच मुफ्त दवाएं फ्री एम्बुलेंस और रेडियोलॉजी आदि की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी ने शुल्क के लिए पालकों और बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं इसमें कहा गया है कि शुल्क जमा नहीं करने पर भी बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में अध्यापन कराना है अगर बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से वंचित करने की शिकायत मिली तो स्कूलों को दी गई विभागीय अनुमति और बोर्ड कक्षा संचालन की अनुशंसा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के बैनर तले पालकों ने शिक्षा विभाग से निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ शिकायत की थी कि फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से वंचित किया जा रहा है रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खेतों की मिट्टी की जांच के लिए एक कम लागत वाला एक परीक्षण किट विकसित किया है इस चलित मृदा परीक्षण किट की तकनीक को भारत शासन द्वारा पेटेंट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है इस किट की सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जांच स्वयं कर सकेंगे कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरे विश्व में हर वर्ष एक अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बुजुर्गों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि वृद्धजन हमारे समाज के धरोहर हैं हम सबको वृद्धजनों का उचित सम्मान और आदर करना चाहिए वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुजुर्ग परिवार और समाज के मूल स्तंभ होते हैं उनकी खुशी स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल से चलने वाली दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग स्पेशल ट्रेन का परिचालन अक्टूबर माह के अंत तक कर दिया गया है दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक और अंबिकापुर दुर्ग स्पेशल ट्रेन को 1 से 30 अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग भोपाल दुर्ग सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल एक अक्टूबर से किया जाएगा यह ट्रेन विभिन्न श्रेणी के तेज कोचों के साथ चलेगी दूसरी ओर भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़े का आज आखिरी दिन है इसके तहत सोलह से तीस सितंबर के बीच आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अलग अलग थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत इस बार घर घर जाकर बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जा रही है महासमुंद जिले के नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले के कई क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के कारण कृमि मुक्ति कार्यक्रम को दो चरणों में चलाया जा रहा है पहले चरण में तेईस सितंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को एल्बेंडा की दवा खिलाई जा रही है अब दूसरे चरण में कल एक अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को घर घर जाकर कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी वहीं रायपुर में एक से नौ अक्टूबर तक बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी बीते दिनों लगे लॉकडाउन की वजह से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने दवा खिलाने की अवधि को बढ़ा दिया है गांधी जी और स्वच्छता ही सेवा विषय पर रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर और फील्ड आउटरीच ब्यूरो जगदलपुर तथा पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आज वेबिनार का आयोजन किया गया बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉ डीएल पटेल ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आज स्वच्छ भारत अभियान एक आंदोलन बन चुका है वेबिनार के दौरान स्वच्छ भारत मिशन जिला पंचायत जगदलपुर की सलाहकार नंदिता मरकाम ने बताया कि बस्तर के स्कूलों ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संचार किया जा रहा है इस वेबिनार में पीआईबी के अपर महानिदेशक सुदर्शन पंतोड़े ने भी भाग लिया और अब पेश है मौसम का हाल दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान निम्नदाब का क्षेत्र बनने की संभावना है इस कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है संक्षिप्त में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पीडीएस बारदाने की अन्य कार्यो हेतु बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है इन बारदानों का उपयोग सिर्फ धान खरीदी कार्य के लिए ही किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉ संजय को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय परिसर में गांधी प्रतिमा का अनावरण करेंगे राज्य शासन ने बंधक श्रमिक पुनर्वास के लिए आवंटित राशि को निर्धारित समय पर आहरण नहीं करने के मामले में पांच अधिकारियों के खिलाफ एक एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदरचंद धाड़ीवाल का आज हृदयाघात से निधन हो गया वे रायपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत संपार फाटक क्रमांक चार सौ उन्नीस सरस्वती नगर गेट अपलाइन में आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण कल सुबह दस बजे से दो अक्टूबर की शाम छह बजे तक बंद रहेगा कबीरधाम जिले में सशस्त्र बलों में जीडी आरक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग साढ़े ग्यारह लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम ग्रामपोड़ स्थित गौठान में बिजलीकरण से किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया बाद में पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए कवर्धा की कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से एक लाख रूपये नगद सहित सट्टा पट्टी जब्त की गई है और सरगुजा जिले में भौरपुर पुलिस ने गांजे की खेती करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पेश है बापू का प्रिय भजन अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा स्थगित करने से किया इंकार दुर्ग बलौदाबाजार बलरामपुर और रायगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों में लॉकडाउन खत्म निर्धारित अवधि में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की मिली अनुमति मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों के स्लम इलाकों में नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में बरती जा रही उदासीनता को लेकर जताई नाराजगी और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।